So yeah, people, this is Ashman Soni from Vlogify Me, and welcome to Shanivar Vada, brother. So hello guys, welcome to New Day Vlog. कुछ खाने जा रहे हैं, भूख भी लग रही है. सामान ढो के मेरी वैल्यू कम हो रही है. वाह 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 वाह. Let's eat something here. सालन इज ओनली ओके. बिरयानी ज्यादा बेटर है. बिरयानी बहुत ज्यादा ही फिलिंग थी, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी ज्यादा होगी. दिस इवन तो अभी एक बार ये कप नूडल्स भी ले ली है, बिरयानी भी इतनी सारी खा ली. नो वे आउट, खत्म करने किसी तरह. लेकिन बिरयानी टेस्टी बहुत थी यार, बहुत ज्यादा टेस्टी थी. सालन बहुत बर्बाद था उसका, बट उसका स्टाफ का नेचर बहुत अच्छा था. एक, बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा था. दो, रायता बहुत बढ़िया बना था. तीन, तो सालन को इग्नोर किया जा सकता है. और ये सब बस 150 रुपए में. हाँ, मतलब अब लग रहा है एकदम पूरा सिस्टम फॉलो हो रहा है. पूरा अब बन रहा है भाई व्लॉग्स. अब लग रहा है लड़का पूरा मतलब ट्रैवलर, क्योंकि झोला जो हाथ में था उसका पूरा खाली करके सामान मैंने बैग में डाल लिया है, अपनी स्टिक निकाल ली है, और अब पूरा ट्रैवलर वाली फीलिंग आ रही है. वंडरलस्ट. अच्छा, जहाँ से मैं घुसा था वो मेन गेट था ही नहीं. ओ हो, ये है मेन गेट. वही मेरे को लग रहा था उस टाइम पे कि साला उतना टूटा फूटा ऑफ टाइप का ही क्यों दिख रहा है. नाउ आई अंडरस्टूड कि भाई ये है रियल रास्ता. तो बस ना मेरे को यहाँ पे ही उतारता हूँ दबड़ू शेठ टेम्पल के पास में, और अब यहाँ से जा रहे शनिवार वाड़ा. एकदम सीधे सीधे रोड है. दबड़ू शेठ अभी नहीं गए हैं, पहले एक बार शनिवार वाड़ा घूमेंगे, उसके बाद. वॉल्स दिखना शुरू हो गई हैं. ये वहां से थोड़ी दूर से है मेन एंट्रेंस, थोड़ी आगे से है, बट इट्स ओके. तो यहाँ पे शूटिंग भी हो रही है न्यूज की, एंड दिस इज कूल. वैसे तो यहाँ पे सब कुछ बहुत बढ़िया था, बस कुछ चीजें जो है वो ध्यान में रखिएगा आप, कि यहाँ पे शिवाजी महाराज के लिए या फिर बाजीराव के लिए कोई कुछ गलत नहीं बोलेगा. अटेम्प्ट टू मर्डर कर सकते हैं लोग, और वो प्लीड गिल्टी भी नहीं करेंगे. बी अवेयर. वेलकम टू शनिवार वाड़ा ब्रदर्स. इट्स ब्यूटिफुल मैन, इट्स सो ब्यूटिफुल. अभी ऊपर भी चलेंगे. It's pretty interesting man, काफी सही जगह है. फेयर मेरे को लिया, मैं बैग रख देता हूँ. मेरा बैग. मम्मी पूरा कंधे दर्द हो गया यार. तो मैं बोल रहा था कि जैसे यहाँ पे ना 25 रुपए का किराया है पर पर्सन के हिसाब से. यहाँ पे मेरे को वीडियो के लिए भी पूछा गया कि वीडियो आप बनाना वाले हो या नहीं. सो मैंने बोला कि हाँ वीडियो है. तो ये मेरा जो मोनोपॉड है उसको देख के उन्होंने बोला कि मोनोपॉड मतलब ये जो छड़ी है वो. तो मैंने बोला कि हाँ ये कैमरा में नहीं लगेगी, कैमरा का शायद अलग से चार्ज होगा ऑब्वियसली. मैं चाहे सारी नो बडीज, मैंने बहुत ज्यादा इस वाले मूवी को एडमायर किया है, बाजीराव मस्तानी. और आज मैं यहाँ हूँ, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है यार ये जगह.
जैसे शनिवार वाड़ा है ना, इस टाइम पे मैंने इसको इसीलिए कवर किया सो दैट, क्योंकि यहाँ पे अभी एक बार अगर रात हो गई ना तो मैं यहाँ पे दूसरी बार नहीं आऊंगा। आई विल विजिट इट हियर वंस और फिर इसके बाद जाएंगे हम डब्लू शीट टेम्पल। वहाँ पे घूमने के बाद यहाँ से पास में एक मैंने देखा है पार्वती हिल्स करके एक जगह है, वहाँ पे जाएंगे। लेट्स रिकॉर्ड सम सिनेमैटिक सीक्वेंसेस। पर माय नॉलेज ये यहाँ पे ये जो सारे संध बने हुए हैं ये एक्चुअली लड़ने के लिए बने थे, सिर्फ ये देखने के पर्पस पे नहीं, ये थोड़े ऐसे स्लोप टाइप से हैं, विच मीन्स टू कीप द थिंग हियर एम एंड शूट, जैसे वो वाइट वाले अंकल आ रहे थे। अच्छा वो उनको कुछ हुआ नहीं, नहीं तो मुझे लगता मेरे अंदर सुपर नेचुरल पावर्स आ गए हैं। ये जगह से अभी हम लोग आए हैं और ये वो पूरी जगह थी जहाँ पे अभी हम थे, वहाँ पे आपको दिखाया जा रहा था। और ये जगह आए हैं, वहाँ पे हम बहुत बाद में जाएंगे, अभी हम यहाँ जाएंगे। पता नहीं मैं बहुत कुछ बोल गया और फिर मैंने बाद में नोटिस किया कि टाइम लैप्स में बोल रहा था मैं, समझ आया नहीं। तो देखो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे मेरे को आए हुए थोड़ी देर हो गई है और जितना यहाँ पे था ना ये उस रेडियस के हिसाब से जितना मैंने सोचा था, क्योंकि फोटोज वीडियोज में आपको कैसा देख के लगता है कि कुछ ज्यादा ही होगा, तो रेडियस के हिसाब से मेरे को तो ठीक लगा, लेकिन ग्रीनरी के हिसाब से क्या कहने हैं, वाह। अच्छा तगड़ू शेट का मेरे को क्या लग रहा था ना कि वो जैसे बाजीराव मस्तानी में दिखाया था ना, जब उनका गणेश जी का आरती आ रही थी, जब दीपिका के ऊपर हमला हुआ था है ना, तब यहीं की पूजा हो रही थी शायद, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये भी बहुत साल पुराना मंदिर है ऐसा लग रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं अब हनुमान गणेश जी के टेम्पल, वहाँ से शायद पार्वती हिल्स, शायद कोई कंफर्म नहीं है। बुढ़ापा आ गया है, थक गए हैं, अब ये बुढ़ापे के बाद हम लोग एक कोई गुफा के अंदर पैर लटका के बैठे हैं। ये यहाँ पे मेरा भ्रमण तो खत्म हुआ, अब हम जाएंगे होम स्वीट, सॉरी गणेश जी के टेंपल, स्वीट टेंपल। तो भाई हम आए थे शनिवार वाड़ा और मेरा नाम वेद है। कहाँ पे हो और आप दोनों कहाँ पे हो? अभी हम शनिवार वाड़ा में नगर घूमने को आए थे। अरे वाह, थैंक यू भैया। ज्ञान सी विद्या। बढ़िया भी, काफी बढ़िया भी। आयुष्मान भाव।